हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी 1.2 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कपड़े का दाम कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मीटर कपड़े का दाम 90 रुपया है, तो 5 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़े का दाम कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसमें पूछा है कि एक मीटर का दाम है 90 रुपया। एक मीटर का दाम 90 रुपया, ठीक है। पूछा है 5 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो पहले 5 मीटर का निकाल लेते हैं, सिंपल से, आराम से। कैसे? एक मीटर का 90 है, तो 5 मीटर कैसे निकालेंगे? 90 को 5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 450 रुपया, 450 रुपया। तो 5 मीटर का दाम आ गया 450 रुपया। हमें 30 सेंटीमीटर और निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का निकाल लेते हैं। 10 सेंटीमीटर का कैसे निकालेंगे? जो दाम 1 मीटर का दे रखा है 90 रुपया, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 रुपया। तो 10 सेंटीमीटर का 9 रुपया, तो 30 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? 9 को 3 से गुना कर देंगे, तो 9 × 3 = 2700 रुपया। तो 5 मीटर का आ गया 450 रुपया, 30 सेंटीमीटर आ गया 2700 रुपया। तो दोनों क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, 450 और 2700 रुपया। तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 2 = 7 और ये 4, तो ये आ गया 477 रुपया। तो 5 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़े का दाम आ गया 477 रुपया। तो इस प्रकार से हम कपड़े का दाम निकालते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।